नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। आगामी दीपावली त्योहार के मद्देनजर जिले में अवैध रूप से बेच रहे पटाखे व्यापारियों की दुकान और मकानों पर छापेमारी की गई। देर रात तक चली छापेमारी में लगभग कई इलाकों के पटाखे बरामद किए गए। तो वही DIG का कहना है कि पूरे मंडल में हमने एक विशेष अभियान चलाकर जो भी पटाखे का भंडारण कर रहे हैं उनके विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। रात में चले छापेमारी में कुल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभी जिले में पटाखों की तलाशी कर रही है पुलिस ताकि कोई भी हादसा किसी के मकान में ना हो सके। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सूचना मिली थी कि कुछ लोग ऐसे जगह पटाखा संग्रह कर रहे हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है और जो आबादी में है ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है और आगे भी जारी है। क्या कुछ कहा SP आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। भी रखी गई है और पूरे रेंज में और आजमगढ़ में देखिए अवैध रूप से जो भी विस्फोटक सामग्री एकत्रित की गई है उसके लिए लगातार न केवल जनपद आजमगढ़ बल्कि पूरे रेंज में छापेमारी की जा रही है। इसमें जो भी लोग पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के साथ साथ अन्य जो सुसंगत कड़ी विधिक धाराएं हैं उनके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी तक कोई इस प्रकार का बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर यहाँ पर विस्फोटक पदार्थ पटाखों के नज़रिए से एकत्रित करने का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। फिर भी हम लोग दीपावली के पर्व को देखते हुए लगातार इसको लेकर अलर्ट हैं। जनमानस से भी हम अपील करते हैं कि अगर उनके इर्द गिर्द कहीं भी अवैध विस्फोटक पदार्थ जमा किया गया है, कहीं पर स्टोर में जमा किया गया है या बिना लाइसेंस के कहीं पर इस प्रकार से विस्फोटक पदार्थ रखे गए हैं तो वो 112 पर हमारे अपने व्हाट्सएप नंबर पर, जिले के पुलिस कप्तान के व्हाट्सएप नंबर पर, कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर सूचना दे सकते हैं। ऐसी सूचना देने वालों का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा, उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा और जो लोग इस प्रकार के विस्फोटक का एकत्रीकरण किए हैं उनके विरुद्ध सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की। दीपावली को लेकर मेरी ये अपील है कि सभी लोग ग्रीन दीपावली मनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइटनिंग करें क्योंकि उत्साह ये बेसिक रूप से जिसकी खुशी में हम लोग मनाते हैं ऐसा माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम 14 वर्षों के वनवास के पश्चात लंका विजय के पश्चात इसी दिन अयोध्या में वो वापस आए थे और उनके अयोध्या के 14 वर्ष के पश्चात की वापसी को दीपोत्सव पर्व के रूप में मनाया गया था। तो बेसिकली ये दीपोत्सव पर्व है। दिया जलाएं और इस प्रकार से दिया जलाएं कि कहीं पर अंधेरा ना रहे, हर किसी के घर में उजाला रहे। लेकिन चूँकि विस्फोटक चीज़ें जो पटाखे के रूप में यूज होती हैं इनसे बहुत कहीं ना कहीं से जानमाल की भी क्षति होती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण सहित अन्य बहुत सारी जो नकारात्मक अनुवृत्तियाँ हैं वो पनपती हैं। तो सर, अवॉइड किया जाए। शहर कोतवाली में जामा मस्जिद में मुगिरीगंज में एक ट्रक पटाखा लगा पकड़ा गया है। जो भी पकड़ा गया है उनके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से जनसामान्य से भी अपील करता हूँ कि कहीं भी उनको अवैध विस्फोटक इस प्रकार से एकत्रित होने की सूचना मिलती है या उनके नॉलेज में है तो निश्चित रूप से कॉल करके 112 पर कॉल करके कंट्रोल रूम के साथ साथ जिले के सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके, सभी अधिकारियों के नंबर पर व्हाट्सएप भी है, वो सूचना दे सकते हैं और ऐसी सूचना पे तत्काल संज्ञान में लेकर के कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपील भी मैंने इसके साथ साथ की है कि इससे बचे, लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं पर पकड़ा जाता देखिए, कुछ ऐसे सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग ऐसी जगह पटाखा संग्रह कर रहे हैं जिनके पास संग्रह करने का लाइसेंस भी नहीं है और घनी आबादी में वो लोग संग्रह कर रहे हैं। ऐसे उस पर छापेमारी की गई है और छापेमारी अभी की जा रही है कि वो लोग कहाँ से लाए, कैसे लाए और उनका मेन स्टॉकिस्ट कहाँ है, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है। तो अभी छापेमारी जारी है और जब सब चीज़ सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाएगी, छापेमारी पूरी हो जाएगी तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और मुकदमा पंजीकृत कर आपको अवगत कराया जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने कि बताया कि अभी छापेमारी कुछ माल मिला है, कुछ की छापेमारी अभी की जा रही है तो अभी बता पाना, समप कर पाना मुश्किल है कि कितना कैसे कैसे पकड़ा गया, क्योंकि जब मुकदमा कायम होगा तो जो सारी चीज़ें छापे टोटल छापेमारी के दौरान होंगी वो कलेक्ट की जाएगी और उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया।